नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी देशभक्तों में राजकुमार कहा करते थे और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम अपने स्पीच में फादर ऑफ नेशन कहकर संबोधित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे और वे 15 साल की उम्र से ही इन दोनों के उद्देश्य सुना करते थे। 1931 से लेकर 1941 तक सुभाष चंद्र बोस को 11 बार जेल में रखा गया था और 1930 में उन्होंने जेल में रहते हुए कलकत्ता के मेयर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब नेताजी जर्मनी में इंडियन फ्रीडम के लिए सपोर्ट इकट्ठा कर रहे थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मूल की एमिली शेंकी से शादी कर ली थी और जर्मनी की वेल नोन इकोनॉमिस्ट अनीता बोस उनकी डॉटर है।